सच्चाई की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। नई दिल्ली प्रगति मैदान में पेपरेक्स में विश्व पेपर दिवस की सेमिनार आयोजित की जा रही है। यह सेमिनार 1 नवंबर बुधवार से शुरू हुआ और 4 नवंबर शनिवार तक चलेगा। इस सेमिनार में देश विदेश की टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनरियों को दर्शाया गया है। पेपर के बारे में बहुत सारे उपयोग दिखाए गए हैं। वेस्टेज पेपर को भी हम काम में ला सकते हैं। इस पर सेमिनार में मशीनों के जरिए उपयोग करते हुए दिखाया गया है। इस सेमिनार में दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा कोषा अध्यक्ष प्रवीण जैन ने दौरा किया। पूरे सेमिनार को देखकर उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में जो दिखाया जा रहा है वो देश की प्रगति और उन्नति का प्रमाण है। इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कई सालों से लग रही है, तेरी भी एग्जीबिशन है और मैं कागज से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि परिवार जो है कागज व्यापार में है और मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा कोषा अध्यक्ष बीजेपी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, 13वीं बार एग्जीबिशन लगी और मैं कई सालों से इसमें आ रहा हूँ, देखता हूँ हर बार। और इस बार मैंने देखा कि परसेप्शन चेंज हुआ है लोगों का, उन्नति की तरफ प्रगति की तरफ है देश। जो अपने मोदी जी इतनी मेहनत से उन्होंने पूरे विश्व में एक इंडिया की इमेज चेंज करी है, एक इंडिया के प्रति एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, वो यहाँ देखने को मिला है। पिछली बार के तहत इस बार विदेशों से बहुत लोग आए हैं जो कि हिंदुस्तान में व्यापार करना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस बार मैंने यहाँ भी एक और नोटिस करा, जैसे मेक इन इंडिया की जो मुहिम है हमारी, उसके तहत मैंने यहाँ देखा है कि पहले जो मशीनरी यहाँ नहीं बनती थी, टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं थी, अब वो मशीनें भी यहाँ अवेलेबल हैं, खुद बना रहे हैं लोग यहाँ पर। बाहर से टेक्नोलॉजी का टाई अप करा है, मेक इन इंडिया करा है, मशीनें यहाँ खुद बन रही हैं, चीज़ें वो यहाँ बन रही हैं जो बाहर से पहले इम्पोर्ट होती थी, जो कंज्यूम हो करने के लिए हमारे को कागज़ चाहिए था वो अब यहाँ बन रहा है, खूब अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी में और अच्छे दामों पे यहाँ अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट पे डिपेंड नहीं होना है। Overseas here, and the exhibition has been having a very good attendance. It's been really vibrant here. It looks like it's a very positive environment here for business. इन तस्वीरों को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पंकज जैन हर स्टॉल पर जाकर स्वयं प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं। अब इन मशीन को गौर से देखिए, ये वैक्यूम क्लीनर मशीन है। इनके निर्माता को गर्व है कि वह मेक इन इंडिया मशीन बना रहे हैं। यही नहीं, देश विदेश से आए व्यापारियों ने भी इस सेमिनार में अपने अपने स्टॉल लगाकर कहा कि मेक इन इंडिया और इंडिया इज द बेस्ट। प्रयास कर रही है, इतनी जगह मोदी जी ने खुद टूर लगाया है फॉरेन में, तो ग्लोबल कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या हो रहा है? यहाँ आकर के मेरा ज़्यादातर फोकस जो फॉरेन से क्लाइंट आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ पहले सालों की तुलना में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन के कंपनियों के स्टॉल लगे हुए हैं, फॉरेन के विजिटर्स भी बहुत आए हुए हैं, यूके, यूएसए, गल्फ से आए हुए हैं, ताइवान से, चाइना से आए हुए हैं। तो उनसे बात करने पर मुझे ये लगा कि बिजनेस के लिए या मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं भारत को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बनाते हैं। मान लो कि बिल्कुल जो सड़क से रद्दी चुकती है, इसमें हजारों आदमी को रोजगार मिलता है। पुराना जो पुराल कहते हैं खेतों में जलाई जाती है, उससे कागज़ बनाते हैं, सरकंडा यूज करते हैं, बेगास यूज करते हैं, राइसक यूज करते हैं। अगली असली स्वच्छ भारत अभियान में इन मिलों का बहुत बड़ा योगदान है। This is very important because we have already this experience before. We can supply really good technology. शनिवार तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में काफी संख्या में दर्शक भी आ रहे हैं। पेपर से संबंधित लोग इस प्रदर्शनी से काफी जानकारी हासिल कर रहे हैं। उद्यमियों की माने तो सरकार उनको बहुत सहायता दे रही है, मगर उनकी एक गुजारिश है कि सरकार ने कागज पर 12% GST लगाया है, उसे कम कर 5% किया जाए ताकि व्यवसायी अपने कारोबार को सही तरह से चला सके। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली। Thank you.